शामा उपतहसील में अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को उपतहसील निर्माण का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। 36 ग्राम सभाओं की सुविधा के लिए बनाई गई शामा उपतहसील को एकमात्र कर्मचारी संचालित कर रहा है, जिस कारण यहां पर लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। अपने कार्य के लिए ग्रामीणों को कपकोट तहसील जाना पड़ता है। युवा समाज सेवी भूपेंद्र कोरंगा ने इसे सरकार की नाकामी करार देते हुए कहा कि उप तहसील के आलिशान भवन में तैनात एकमात्र कर्मचारी सिर्फ खतौनी की नकल देने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि यही हाल रहा तो शामा उप तहसील का भवन जल्द ही खंडहर में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने उप तहसील में अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती करने की मांग की है। आज मैं उप तहसील शामा में आया हूँ और ये बहुत सुंदर सा यहाँ पर कार्यालय, बहुत बढ़िया सा भवन यहाँ पर बनाया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि लगभग 2 साल से अधिक इस भवन निर्माण को हो चुके हैं, बावजूद सारे कमरे खाली हैं सिवाय 3 कमरों के। और जब उन 3 कमरों में आप जाएंगे तो उसमें से सिर्फ 1 कमरे पर ही कर्मचारी आपको मिलेगा, तो बड़ा बुरा हाल है। और 36 ग्राम सभाओं का ये उप तहसील शामा है, और जब मैंने यहाँ पर जो एक एम्प्लॉय बैठे थे उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि दिन में 6 से 10 लोग ही सिर्फ यहाँ पर आते हैं अपने काम को लेकर के ग्रामीण, लेकिन उसमें से भी 6 लोगों को, मतलब 60% लगभग लोगों को कपकोट भेजना पड़ता है। तो ऐसा काय का ये उप तहसील जहाँ पर सारे काम करने के लिए हमको कपकोट दौड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जिसके अंदर ये है, किसके अंदर ये चार्ज है, ये यहाँ पर जो बैठे एम्प्लॉय वो भी नहीं बता पाए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत दुखद ये है। तो क्या ये जनता का जो पैसा सरकार ने यहाँ पर एक भवन यहाँ पर बनाया और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप यहाँ पर कर दिया है, तो क्या ऐसी मजबूरी है कि यहाँ पर अधिकारियों को नहीं बिठाया गया है? क्या ऐसी मजबूरी है कि यहाँ पर वो काम नहीं हो रहे हैं जो एक उप तहसील में होते हैं? और यहाँ पर इन्होंने बताया कि सिर्फ खाता खतौनी निकलने का काम यहाँ पर होता है, और इस एरिया पर ना ही बहुत अच्छा नेटवर्क है और ना ही प्रॉपर बिजली है। ये स्वयं यहाँ पर जो एम्प्लॉय बैठे हैं उन्होंने बताया। तो कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने जनता के पैसे से ये इतना अच्छा भवन बना दिया, और तमाम जो सत्तादल, जो सत्ताधारी जो पार्टी है, जो सत्ता में जो लोग हैं, वो लोग अपनी एक बड़ी उपलब्धि तो ये बता रहे हैं, लेकिन जब आप धरातल पर देखें काम को, तो कहीं ना कहीं ये उप तहसील में जो भी काम यहाँ पर होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। तो ये बड़ा एक गंभीर समस्या हमारे शामा क्षेत्र के लिए। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।